told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. आओ आपको लेकर चलते हैं ऑटो एक्सपो 2023 में, यहाँ पर आपको ढेर सारी गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। चलो चलते हैं। तो ये जो गाड़ी है वो तहलका मचाने वाली है मार्केट में, जितना है वो सारा ग्रीन अंदर इन्होंने रखा हुआ है, और ये सिर्फ MG की पवेलियन में दिखा है। ग्रीनरी अगर आपको सांस लेना अच्छा तो प्लांट लगे होने चाहिए। द लैंड क्रूजर दुबई में इसकी बादशाहत है। Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. खैनी, गुटका या पान खाकर ना थूके। आपके लिए अच्छी जगह बताता हूँ थूकने के लिए, वो है आपके घर का ड्राइंग रूम। I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could. ये है सबका बाप, द लैंड क्रूजर दुबई में इसकी बादशाहत है। डेजर्ट सवारी में जब भागती है, दौड़ती है, कूदती है, बस ये है सबका बाप। ये करोड़ों में डील है, करनी है ना गल कर। जैसे कहते हैं ना द शीप ऑफ द डेजर्ट कैमल, उधर यूएई में द शीप ऑफ द डेजर्ट टोयोटा लैंड क्रूजर। बाप है सबका, सब पीछे है, चाहे इसको जहां मर्जी चढ़ा दो, आप बर्फ में चढ़ा दो, रेगिस्तान में चढ़ा दो, सीधी चढ़ा दो पहाड़ी पे, सब जगह चढ़ देगी। और जो बड़े से बड़ा बॉलीवुड स्टार है उसके पास जरूर होगी ये लैंड क्रूजर। ले लिए, करा ली बुक, कराओ, चलो करा लांगे, कुछ काफ़ी कुछ बेचना पड़ा है। आप इसकी हाइट देखिए, जबरदस्त टायर देखिए, 20 है 20। तो ये सामने देख रहे हैं, ये है इनोवा हाई क्रॉस, ये भी इस टाइम लॉन्च कर दी थी टोयोटा ने, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अभी फ़िलहाल तो लॉक है, तो ये सेगमेंट है, और इसका प्राइस जो रखा गया है वो बहुत प्यारा रखा गया है, तो ये काफ़ी रेंज में है। अगर किसी ने क्रेटा सेट करने का स्पेस देखते हैं तो बेहतरीन स्पेस। अब हम सीधा आ गए हैं MG के वो पवेलियन में, क्योंकि गिनी चुनी कंपनी रह गई है आजकल की मार्केट में जो काफ़ी फेमस हैं, उसमें से नाम है MG। MG हेक्टर सबने सुना होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले MG ने ही स्टार्ट की थी, EV नाम से गाड़ियां शुरू हुई थी। जो ये देखो पहले MG कार क्लब की पुरानी गाड़ी जो आपको देखने को मिल रही है सामने, ये देख सकते हैं आप, मेरे हिसाब से विंटेज का ज़माना दोबारा आ जाना चाहिए। हैं इंडिया जी कारा हूँ, बढ़िया लगेगा। देखो यहाँ से विंटेज सेक्टर शुरू हो जाता है, बॉर्न इन UK MG। तो ये वॉक अराउंड आपको दे रहे हैं हम, क्या बात है। एक बात माननी पड़ेगी, MG की जो गाड़ियाँ हैं ना उसकी लुक जो है बहुत बढ़िया है। MG की गाड़ियों की लुक बहुत बढ़िया है, ये कलर देखो कितना बढ़िया है। यहाँ आ जाता है सेगमेंट इंटेलिजेंट 4-व्हील ड्राइव। आजकल काफ़ी दिल्ली की सड़कों में MG क्लस्टर देखने को मिलती है 4-व्हील ड्राइव। ये देखिए हाइब्रिड, यहाँ सामने देख रहे हैं आप MG की क्लस्टर, काफ़ी चर्चा में रहती है MG की ग्लॉस्टर। इसका टफ कंपटीशन रहता है टोयोटा की फॉर्च्यूनर से, स्कॉर्पियो से, XUV 700 से। ये जो गाड़ी है ये टफ कंपटीशन देती है इन सब गाड़ियों को, ये देख सकते हैं 4-व्हील ड्राइव गाड़ी है। इस बार का जो ऑटो एक्सपो है बहुत ही बढ़िया है, शुरू हो गया है तो आम पब्लिक के लिए वो 14 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो टिकट बुक कर सकते हैं बुक माई शो से। यहाँ से टिकट जो मिलेगी आपको अराउंड 350 की मिलेगी, तो आप ज़रूर बुक माई शो में जाकर टिकट बुक कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं ऑटो एक्सपो 2023 को। देख रहे हो ना, ये आज की जनरेशन जो है ये है, मतलब इलेक्ट्रिक है वो लगा हुआ, बैटरी बैक ये इंजन है,
जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उस टाइम जो गाड़ी स्टार्ट पावर लेती है वो इंजन से लेती है बैटरी पावर, तो जब थोड़ी देर के लिए पावर बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है फिर जैसे रेड लाइट वगैरह आती है तो गाड़ी पेट्रोल बंद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो बैटरी में चली जाती है। तो ये धीरे धीरे अब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। तो आप कब ले रहे हैं अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार? बहुत प्रॉब्ली बहुत जल्दी लेने वाले हैं मिस्टर हरप्रीत सिंह। तो अब ये देखते हैं ये क्या इनका जो इलेक्ट्रिक में ट्रांसफ़र करेंगे कौन सी गाड़ी लेने लगे हैं, थोड़ा सर्वे करेंगे देखेंगे तो भी बेस्ट चल रही है टाइम के हिसाब से। अच्छा अच्छा मजाक की बात चल रही है, मजाक थोड़ा बहुत चलना चाहिए, तो एंजॉय कर रहे हैं हम ठीक है। तो ये हमारा मतलब ब्लॉग जो रहने वाला है वो जरूरी नहीं है कि पूरा प्रोफेशनल ही है, एंजॉय भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, मजे ले रहे हैं। तो ये देखो सामने MG हेक्टर का जो पवेलियन है वो काफी ग्रीन भी रखा हुआ है, क्या शो करता है ग्रीन जो है, ग्रीन ये शो करता है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काफी कोशिश कर रहा है MG। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है पहले MG हेक्टर का, जितना है वो सारा ग्रीन अंदर इन्होंने रखा हुआ है। और ये सिर्फ MG के पवेलियन में दिखा है, सारा ग्रीन नजर आ रहा होगा आपको। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये स्पेशली देखने में, मेरे को अभी तक जो मेरे को मजा आ रहा है ना क्योंकि सांस आ रही है वो MG के पवेलियन में आ रही है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी है। तो ये क्या शो करता है, ग्रीनरी अगर आपको सांस लेना अच्छा तो प्लांट्स लगे होने चाहिए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ट्रांसफर कर लेना चाहिए सबको, फ्यूल को कम कर देना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चले जाएंगे तो हमारा खुद का ही जो आगे फ्यूचर ब्राइट रहेगा हमारे आने वाले बच्चों का। तो ये MG हेक्टर लॉन्च करने जा रहे हैं न्यू मॉडल MG हेक्टर प्लस। देखते ही देखते अब हम आ गए हैं टाटा के पवेलियन में, तो यहाँ देखते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और समझ जाइए वहाँ पर ही कोई ऐसी गाड़ी है जहाँ पर सारे दुनिया की नज़र खींची हुई है, यहाँ लग रही है भीड़। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया फर्स्ट ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी पंच, टाटा पंच ये गाड़ी है जो काफ़ी चर्चा में रहती है। टाटा पंच, हुंडई की वेन्यू, ये सब टक्कर देती हैं एक दूसरे को। भारतीय मार्केट जो है काफ़ी चेंज हो चुकी है, जब हम पहले आते थे अराउंड 10 साल पहले जब हम छोटे सी ऐसे हम तब उस टाइम कैसी गाड़ियां होती थी है, उस टाइम तो नॉर्मल थी नॉर्मल, अब देखो इलेक्ट्रिक CNG सब चेंज हो गया सब सिस्टम। तो ये मतलब लगा लो आने वाले और 3-4 सालों के अंदर इलेक्ट्रिक मार्केट पूरी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलानी पड़ेंगी, वो ठीक भी है तभी दुनिया बच सकती है। बाहर की कंट्री में तो मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इंग्लैंड जैसी सिटियों में अमेरिकन तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलाते हैं आजकल सारे, टेस्ला बेस्ट सेलिंग दुनिया को जो सबसे ज़्यादा मूड चेंज किया है पहले टेस्ला ने ही किया था इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से। तो ये अभी हम टियागो देख सकते हैं सारी इलेक्ट्रिक, जितना आप देख रहे हो मेरे को तो सारा ये इलेक्ट्रिक पूरी मार्केट नज़र आ रही है, सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैरियर दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिक, EV स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये कॉन्सेप्ट कार नज़र आ रही है, ऐसी गाड़ी आ रही जी है लेना है तो ये मज़ा है, दिल खुश हो जाएगा। गाड़ी देखिए एक बार टाटा की, इसका भी टाइम आएगा कभी। अब हम आ गए हैं हुंडई के उस पवेलियन में, ये हमारा आज का वॉक अराउंड का लास्ट पवेलियन है। तो आप देख सकते हैं हुंडई में इस बार हर एक जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक ही है। तो ये आप समझ के आइए कि जितनी भी आप कार देखने वाले हैं आप कुछ भी पूछा जाता है पेट्रोल डीजल तो पूछे ही ना, क्योंकि सारा जमाना इलेक्ट्रिक का है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल EV। तो हुंडई में जो लॉन्च होने वाली हैं इस बार कार वो आपको दिखाते हैं अब कि आने वाली मार्केट में पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ गायब होने वाली हैं, क्योंकि फ्यूचर तो कोई शो नहीं कर रहा ना पेट्रोल डीजल का, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और ख़त्म, पेट्रोल डीजल ख़त्म होने वाला है। तो बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इंडस्ट्री में, देखते हैं ये सक्सेसफुल रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसके लिए सारा अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, जैसे पेट्रोल पंप होते थे वैसे फिर चार्जिंग स्टेशन आएंगे सब कुछ हो जाएगा चेंज और काफ़ी हद तक पोल्यूशन को ख़त्म हो जाएगा काम, घरों में भी लोग चार्जिंग स्टेशन अपना लगा सकते हैं। तो
सही है जो भी सिस्टम है, हमने जो इस ऑटो एक्सपो में देखा वो यही देखा कि सारा जमाना जो है वो इलेक्ट्रिक का ही आने वाला है। तो ये आप कुल मिला के यही कह सकते हैं कि जितनी गाड़ियाँ हैं वो सारी इलेक्ट्रिक हैं। पेट्रोल डीजल अगर आप देखने आ रहे हो तो वो तो बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी आपको। इस बार महिंद्रा ने पार्टिसिपेट नहीं किया है ऑटो एक्सपो में। जो थार लवर थे, थार लवर 5 डोर वाली थार देखना चाहते थे, वो इस बार नहीं है। तो ये भी काफ़ी ही मतलब जो थार लवर महिंद्रा लवर थे, जो एक्सयूवी के नए मॉडल या स्कॉर्पियो को देखना चाहते थे वो नहीं लगा। मर्सिडीज़ नहीं नज़र आई, BMW नहीं नज़र आई, कुछ नहीं नज़र आया। ये देखो ये जनरेशन ये आने वाला सब सिस्टम रॉन सिस्टम। ताजमहल देख लो, यही चलना है सारा इलेक्ट्रिक, बसें इलेक्ट्रिक, हर एक चीज़ इलेक्ट्रिक। तो ये तो करना ही पड़ना था, जब ग्रीन करना है पूरे वर्ल्ड को, एनवायरनमेंट को बचाना है तो ये तो ज़रूरी था। किड्स की वर्कशॉप भी लगी हुई है, अगर आप बच्चे वगैरह लेके आ रहे हैं साथ में तो किड्स को यहाँ लगा दीजिए। गेमिंग सिस्टम भी है, काफ़ी इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी कुछ लगा हुआ है यहाँ पर। तो अब सारा हमने पवेलियन जितने भी हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट है, जो मेन गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली हैं, जैसे कि जिमनी थी एक, ठीक है, और जो किया की सेल्टोस, जो एक्स लाइन देखी है जिसका सिर्फ पेंट का उन्होंने डिफरेंस डाला है वो गाड़ियाँ, और जो हुंडई की गाड़ियाँ दिखाई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सारियाँ। तो मेन हमारा यही ऑटो एक्सपो इस बार 2023 का था, तो बहुत बढ़िया था। अब देखते हैं अब एक दो दिन में वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, वो प्लान बनाएंगे। तो जो हमने व्लॉग बनाया वो अब यहीं पर एंड करते हैं आज का व्लॉग। तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट कर दें जो जो आने वाला है ऑटो एक्सपो में और जिसने देख लिया है वो ज़रूर एक बार कमेंट करके बता दें कि हमारी वीडियोस कैसी लगी है। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, रब रखा।